कितनी थ्योरी है हमारे पास? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो थ्योरी है, एक नाम है कार्डिनल थ्योरी, एक नाम है ऑर्डिनल थ्योरी। इनसे मैं बोलते हैं कर्म गणनावाच्य, गणना कैलकुलेशन, कर्मवाच्य कर्म लगाते हैं ना, ऑर्डिनल थ्योरी। तो हम मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया कार्डिनल थ्योरी के बारे में, यूटिलिटी जो थी। ऑर्डिनल थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ये डिफिकल्ट है विद कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। तो इसे स्टार्ट करते हैं। हमने थोड़ा सा 12th में पढ़ के आए हैं इसे, बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था जितना डिटेल में आना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो पहले इंडिफरेंस करके बारे में ध्यान समझना, इधर सुनो। क्या सुना? मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास यहां पर है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सबको पता है ना, यहां पर है गुड एक्स और यहां पर है गुड वाई। दो वस्तुओं का हमने नाम ले लिया गुड एक्स और गुड वाई, है ना। दो वस्तु है, वस्तु एक्स और वस्तु वाई। फॉर एग्जाम्पल वस्तु एक्स में ले लो तुम सेब ले लो, वस्तु वाई में ले लो संतरा, सेब और संतरा। एक शर्त और याद रखना, कंज्यूमर कुछ ना कुछ यूनिट इसकी भी लेगा, कुछ ना कुछ यूनिट इसकी भी लेगा, ठीक है ना। तुमने पहला एक कॉम्बिनेशन खरीदा, कॉम्बिनेशन ए, इसका ना देखना इसकी एक से एक यूनिट थी, मतलब तुमने एक सेब लिया और 10 संतरे, तुम्हें कुछ सेटिस्फेक्शन मिली थी। सुनना, एक सेब लिया हमने और 10 संतरे लिए, कुछ सेटिस्फेक्शन मिली। तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊं, तुमने कुछ जो कंज्यूम करा पेट भर कर सेटिस्फेक्शन मिली, उस सेटिस्फेक्शन को नाप लिया साइड कर दिया, ठीक है। फिर हम गए, हमने एक अगली बार या दूसरा कॉम्बिनेशन चूज करा, उसमें ना ये दो थे, ये बढ़ गए, है ना, बढ़ गए। अब अच्छा ये बताओ, अगर जब मैंने इसको बढ़ा दिया और मुझे सेटिस्फेक्शन सिर्फ उतना ही चाहिए जितना पहले मिला था, ये घटाना पड़ेगा मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन चाहिए जितना पहले वाले में मिला था इस वाले, है ना। तो जाहिर सी बात है इसको कम करना पड़ेगा। चलो मान लो उसको मैंने कम कर दिया। अभी कोई बच्चा क्वेश्चन ना पूछे कि क्यों कम करा, कितना करा, बाद में बताऊंगा सर आपसे, ठीक है। मान लो हमने इसे कम कर दिया 4-6 लग गया, ठीक है, एग्जाम्पल को, हाँ ठीक है, बताऊंगा क्यों हुआ सर इतना ज्यादा कम क्यों पड़ा। एक गुड एक्स सेब, 10 गुड वाई मतलब संतरे, सेटिस्फेक्शन मिली हमें कुछ, माफ ली साइड कर दी। बी पॉइंट हमने कॉम्बिनेशन टू लिया, उसमें ये गुड एक्स 2 थी और गुड वाई की संख्या कितनी थी, 6 थी, और हमें सेटिस्फेक्शन फिलहाल इससे उतनी मिली जितनी उससे मिली थी। अभी बात समझ, सेटिस्फेक्शन दोनों को इक्वल। फिर हमने क्या करा, सी कॉम्बिनेशन पहुंचे, इसको और बढ़ा दिया, कितना कर दिया 3 कर दिया, तो इससे और कम करेंगे, मान लो उसको मैंने 3 कर दिया, ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो जितनी सेटिस्फेक्शन ए पर थी उतनी बी पर थी और उतनी, मतलब तीनों पे सेटिस्फेक्शन इक्वल। अभी बात समझ, ये बात जरूर याद रखनी है, इंडिफरेंस का क्या बताता है, सेटिस्फेक्शन इक्वल। अब सुनना, कंज्यूमर पहले ए कॉम्बिनेशन को यूज कर रहा था, खा रहा था, कुछ सेटिस्फेक्शन मिली, ए छोड़ के बी को खाए, वहां भी सेटिस्फेक्शन इक्वल, ध्यान सुनना, कुछ सेटिस्फेक्शन मिली, सी को खाए वहां भी कुछ सेटिस्फेक्शन मिली, मान लो डी पे पहुंच गया वो, है ना, डी पे क्या है, ये 4 है और ये चलो एक है, कुछ सेटिस्फेक्शन आ गई, मगर मैंने बताया था कुछ यूनिट इसकी भी होनी चाहिए, कुछ यूनिट इसकी भी होनी चाहिए, दोनों में से कोई 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ए पर जितनी सेटिस्फेक्शन थी उतनी बी पर, उतनी सी पर, उतनी डी पर। अब जरा देखना, ए क्या कहता, 1 पर 10, बी क्या कहता है, 2 पे 6, सी क्या कहता है, 3 और डी क्या कहता है, सबके सेटिस्फेक्शन बराबर है ना। अब बताओ कौन सा वाला कॉम्बिनेशन चूज करोगे, बोलो, कंफ्यूज्ड कौन सा सबसे सेटिस्फेक्शन इक्वल है, तो कंफ्यूज इसी को बोलते हैं, कंफ्यूज को अगर मैं तुम्हें यहां की इकोनॉमिक्स में भाषा बोलूं इंडिफरेंट, क्या चूज कर पाओगे, बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, बोलो कर रहे हो चूज, नहीं कर पाएंगे ना, जब सबसे सेटिस्फेक्शन इक्वल है तो बताओ कौन सा, यार ये ले तो भी ठीक है, ये ले तो भी ठीक है, ये ले तो भी ठीक है, ये भी ठीक है, समझ। तो एक कंज्यूमर क्या हो गया,
इंडिफरेंट, कंप्यूटर वर्ड यूज करेंगे, इंडिफरेंट कंज्यूमर क्या हो गया, क्यों क्यों क्योंकि सब पे सेटिस्फेक्शन इक्वल, इसलिए कंज्यूमर क्या हो गया, इंडिफरेंट हो गया। अगर मैं इनको समझ आई बात, अगर मैं इंपोर्ट्स का ग्राफ बना दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस का। आई बात समझ, तो इंडिफरेंस का किसका ग्राफ होता है, उन कॉम्बिनेशन, सुना मेरी बात, उन कॉम्बिनेशंस का ग्राफ होता है जिनसे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। समझ आई बात, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बड़ी आसान चीज है। क्या ये उन कॉम्बिनेशन का ग्राफ है, उन कॉम्बिनेशन को बताता है, उन कॉम्बिनेशन को शो करता है जिससे कंज्यूमर को, एक कंज्यूमर को क्या होता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। समझ गए, बनाएगा ग्राफ, इसका देखना जरा ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वाई कहाँ तक है, 10 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 0, ये कहाँ तक है, 4 तक, 1, 2, 4, बताओ जो हमारा पहला पॉइंट, 1 पर, x पे 1, 1 पे 10, सही है वाला पॉइंट, कॉम्बिनेशन ए। अब बताओ कॉम्बिनेशन बी क्या कहता है, सही है, तीन पे तीन ना, देखो तीन ये रहा और तीन ये रहा दोनों के सामने, सही है। अगला 4 पर एक, सही है। अगर मैं तीनों को ने ज्वाइन करूं जरा देखूं, ना इसे टच करेगा ना इसे टच करेगा, अगर टच करेगा तो जीरो हो जाएगी, तब तो जीरो नहीं होगी। ये है हमारा आईसी वॉल्यूम, हम शॉर्ट फॉर्म में इंडिफरेंस करते हैं। बात समझ आई, बात समझ आई, ठीक है। अच्छा इंडिफरेंस करके थोड़ा एक शेप समझते हैं। देखो यहाँ ये थोड़ा ऐसे है ना, आगे गए थोड़ा ऐसे हुआ और आगे गए थोड़ा और ऐसे हुआ और आगे मतलब सीधा सा होता जा रहा है। यहाँ देखना ऐसे है ना, पहले ऐसे है ना, पहले ऊपर स्टार्टिंग में, इसका मतलब स्लोप बहुत ज़्यादा, ढलान बहुत ज़्यादा, स्लोप आगे गए ढलान कम हुआ और आगे गए ढलान और कम हुआ और कम, मतलब इसका ढलान आगे जाने पर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्या वर्ड बोलते हैं, इसकी शेप होता है, याद रखना किस तरह का होता है इंडिफरेंस का, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम, लिखे इसके बारे में लिख सकते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन बनाना बहुत आसान, लिखूंगा ऊपर ध्यान से सुनना। देखो इट इज अ कर्व व्हिच शोज द वेरियस ए 2, 3 ए बी सी डी, कुछ बीच में भी आ रहे होंगे इनके, वेरियस कॉम्बिनेशन बहुत सारे अनेक अनेक। इट इज अ कर्व व्हिच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो है ना, टू गुड्स क्या, एक्स एंड वाई, which gives equal to the consumer. बोलो बोलो समझ गए, यस सर, कोई दिक्कत नहीं आता, सेव कर लेना भाई।